हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले जो नेपाल वर्सेस सिंगापुर के बीच में जो सेकंड T20 होने वाला है, मतलब जो त्रिदेशीय सीरीज चल रहा है उसका सेकंड T20 होने वाला है आज, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप हम टेलीग्राम पर जाइए, फिर हमारा जो टेलीग्राम है उस पर ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको टॉस के बाद जो टीम होता है हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देते। तो आप पहले टेलीग्राम पर जाइए, फिर सर्च करिए @DreamElevenGF, उसके बाद हमारा ये लोगो दिखेगा, आपको लोगो देख के हमारा चैनल पर आप ज्वाइन हो जाए। तो आप सर्च करिए @DreamElevenGF, फिर हमारा लोगो दिखेगा, लोगो देख के हम ज्वाइन हो जाए। और हम वीडियो के नीचे भी लिंक डाल देंगे, लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम हर मैच में यहाँ पर टीम डालते हैं, न्यूज़ देते हैं, फुटबॉल का भी टीम मिलता है। तो दोस्तों, और अगर आपको हमारा मंथली प्राइम लेना है तो फिर मंथली प्राइम भी ले सकते हैं, जिसमें हम हर मैच का 6 टीम देते हैं। लेकिन मंथली प्राइम लेने के लिए आपको हर ड्रीम इलेवन में कम से कम 1000 बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मत लीजिए, 100-200 रुपये लेकर खुद ही खेल सकते हैं, हमारे मंथली प्राइम लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग का हमारा पर्सन है तो हमसे मैसेज इन मत करिए, आपको तो हम ऐड ही नहीं करेंगे। और दोस्तों हम आज का जो मैच था उसके बारे में जो हमने मतलब हमारा जो टीम था वो हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तो अब हम अभी ड्रीम इलेवन पे चलते हैं और आज का जो रिजल्ट था वो दिखाएंगे और डिस्कस शुरू कर देते हैं। देखना दोस्तों, अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ गए। तो देखिए, कल आज का जो सुबह जो मॉर्निंग का मैच था उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। उतना कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मैं खास क्यों नहीं हुआ वो भी आप लोग बता देते हैं। देखिए, हमारा ये टॉप टीम था, जो ड्वेन स्मिथ कैप्टन था, एक ऑलिंग एंड्रम खासा, तो गलती कहाँ हुआ, एक ग्रैंड वाइस कैप्टन ही गलती हुआ, या एक और बॉलर को गलती हुआ, फवाद अहमद को। अगर इसकी जगह कॉर्नेल होता और यहाँ पर फवाद अहमद की जगह विलियमसन होता तो एक ग्रैंड लीग में टॉप 10 में आ जाता, क्योंकि टीम में कोई भी बुराई नहीं था जो टीम इस टीम को हटा पाए। तो दोस्तों, यही हमारा टीम था आज के मैच के लिए। लेकिन हमने ग्रुप में लास्ट 1 मिनट में बोल दिया था कि आप फवाद को ड्रॉप कर दो, कम से कम 2-3 टीम में फवाद को ड्रॉप, तो क्योंकि हमने हर टीम में उसको लिया था और हमें डाउट आ गया था। तो जो भी डाउट आता है तो लास्ट मिनट में हम बोल देते कि आप इसको हटा के इसको ले लो, जल्दी करो, ऐसा बोल देते, क्योंकि हमें डाउट जब आ जाता है तो हम बोल देते। और वो प्लेयर ज़्यादातर फ्लॉप ही जाता है, तो ऐसे ही फहद को मेरे भी हमने बोल दिया। तो आप लोगों को वो भी दिखा देते कि बोला कि नहीं बोला था, आप लोग सोचेंगे कि सारा झूठ बोल रहे हैं। चलो, हम ड्रीम इलेवन पे हमारा जो प्राइम चैनल है उस पर चल। तो दोस्तों, ये देखो, हम अभी ड्रीम हमारा जो मंथली प्राइम चैनल है उस पर आ गए, तो आप देख सकते हो। ये देखो, हमने बोल दिया था ड्रॉप एटलीस्ट 2 टीम फवाद अहमद, देखिए कितना 5, देखिए कितने मजे किया था, ये भी यहाँ पर शो कर रहा है, देख सकते हैं आप। तो हमने बोल दिया था, जिसने भी ये हमारा सुना होगा उसने अच्छा खासा रैंक किया होगा, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ कि हमने कॉर्नेल को नहीं लिया था उस टीम में, यही गलती था। तो हमारा लेकिन सेकेंड इनिंग्स पर देख सकते हैं, हमारा मेंबर का स्क्रीन शॉट देख सकते हैं, उसने भेजा था, देख सकते हैं आप कितना मजा भेजा था, ये भी देख सकते हैं। तो उसने सेकेंड रैंक पर था तब, क्योंकि अच्छा टीम था, सेकेंड रैंक पर था, लेकिन कॉर्नेल की वजह से उसका रैंक 8 रैंक पर आ गया। फिर से उसने स्क्रीन शॉट सेंड किया था तो उसका रैंक 8 पे आएगा, लेकिन 8 पे आएगा तब भी उसका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि पैसा उसको अच्छा खासा मिला होगा। देखिए, ये 9 पे रैंक पे था, इसने भी सेम टीम मतलब कॉर्नेल को हटा के, यही फवाद को हटा के उसने विलियमसन को लिया था। दोस्तों, यही है कि हम अगर कोई प्लेयर का डाउट होता है तो हम बोल देते हैं, और ऐसे मतलब लेकिन मैं टाइम की वजह से मैं खुद एडिट नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं वहाँ पर मैसेज करते करते यहाँ पर आया, तब बचा सिर्फ 10-15 सेकंड बचा था, तो मैं खुद ही ये नहीं पड़ा और थोड़ा सा काम भी पड़ गया था। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव रहते हैं, हर मैच में तो हमारा नहीं होगा, तो हम हर मैच तो हमारा नहीं है, लेकिन हफ्ते में तो एक मैच तो हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस शुरू कर देते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, जबकि वीडियो लंबा हो रहा है। दोस्तों, अभी हम आ गए ड्रीम इलेवन पे आ गए, तो देख सकते हैं हम विकेट कीपर में यहाँ पर कुमार पैदल है, रोहित कुमार पैदल है, और यहाँ पर मनप्रीत सिंह है। तो देखिए, मैं आपको लोगों को ये बोलता हूँ, इंडियन रीजन का जो भी प्लेयर आएगा आप इन लोगों को ज़्यादातर पिक करने का ट्राई करेंगे, सिंगापुर का बोलो और रोहित नेपाल का, क्योंकि इन लोगों का जो प्लेयर होता है ज़्यादातर इंडिया से बिलोंग करते हैं, या इंडिया पाकिस्तान ऐसे ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से भी, श्रीलंका से भी कोई प्लेयर बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को टीम जब बनाएंगे तो फिर इधर ध्यान में रखते हुए आप टीम बनाना कि इसका जो टीम प्लेयर है ये कहाँ से है, और मतलब इसका ये कहाँ हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो आपको इजीली ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, क्योंकि इन सब मैचों में उतना कुछ मतलब ये नहीं होता है, जस्ट 4-5 प्लेयर ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और उससे ज़्यादा सब एकदम बेकार कर रहे थे, और उन लोगों को सब ऐसे ही जस्ट टीम में रखना होता है। तो ऐसे ही आपको मेहनत करना होगा थोड़ा सा। देखिए, आप यहाँ पर अब दोनों विकेट कीपर है, 3 विकेट कीपर है, आप इनमें से रोहित है, रोहित तो नहीं खेला था पिछले मैच में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर खेलता है तो फिर लेकिन ये बॉल भी करता है, लेकिन ये विकेट कीपर सेक्शन में डाला हुआ है, एस बंदर विकेट कीपर, बे बंदर विकेट कीपर करता है नेपाल की तरफ से।
तो आप इसको ट्राई कर सकते, अगर ये खेलते हैं तो फिर इसको ट्राई, नेपाल को बी बांदरी को ट्राई कर सकते हो अगर आप लगता है। लेकिन बी बांदरी को मैं एक खास बात बोल देता हूँ, ये सेकंड मैच पे कुछ ना कुछ पॉइंट देता है, जैसे पिछले भी सीजन सेशन सीरीज हुआ था उसने भी सेकंड मैच पे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाता है, और टॉप ऑर्डर फ्लॉप भी जा सकते हैं यार, लेकिन इसका बॉलिंग में उतना कुछ दाम दाम नहीं दिख रहा है सिंगापुर। लेकिन ऐसे कृष्णा है और महबूब है, एक कृष्णा है महबूब है और ये रंगाराजन, ये आर रंगाराजन है, यही दो तीन बॉलर है, एक और बॉलर है आपको ये देखिए ये प्रकाश है, ये अच्छा दो तीन बॉलर है जो ऊपर में बॉल करेगा, अगर इन लोगों का ऊपर का विकेट चटका दिया तो ये आपको काम में आ सकते हैं, बंदारी काम में आ सकते हैं। तो आप ग्रैंड लीग में बंदारी को जरूर ट्राई करना, देखिए कितना लोगों ने इसको सिलेक्ट करके रखा है, तो आप इसको ट्राई करना। लेकिन एम मनप्रीत को आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में ही ट्राई करना, ये आपको अगर खेलते हैं तो फिर इसको दोनों में ही ट्राई करना, आपको जिता सकता है ग्रैंड लीग। बैटिंग में परेश का गए तो बैट्समैन नहीं है, ये तो ऑलराउंडर है, बेहल बैटिंग दोनों ही करेगा। अब स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है, लेकिन ग्रैंड लीग में कैप्टन ना बनाना ये आपके लिए पांड हो सकता है, क्योंकि अब अगर कैप्टन इसका बहुत लोगों ने कैप्टन बना के रखा होगा, आप इसको अगर कैप्टन नहीं बनाएगा दूसरा किसी को कैप्टन बनाएंगे और वो कैप्टन अच्छा खासा कर गया तो फिर आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, और ये बाई चांस ये कैप्टन का पॉइंट ना दे पाए तो ये तो टी डेविड को आप ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, पिछले जो अभी से ये चल रहा था तो इसमें सेंचुरी लगा चुका था, तो ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है, और इसको ट्राई करना और एक दो टीम में कैप्टन भी बनाना। एस चंद्र महान को आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। दीप सिंह आयरी को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना, और ऊपर भी बैटिंग करने आ रहा है, लेकिन आप ग्रैंड लीग में इसको एक दो टीम में ड्रॉप करना, क्योंकि 88% लोगों ने इसको सिलेक्ट करके रखा है, तो अब ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा सकते हो, जस्ट इसको एक दो टीम में ड्रॉप कर दो, अगर बाई चांस फ्लॉप चला गया तो आप इजिली ग्रैंड लीग में रैंक कर सकते हो। और ये संदीप जोरा है, इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है और बॉलिंग भी पार्ट टाइम करता है, अगर खेलते तो फिर इसको ट्राई करना, ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और ऐसा ये ईशान पांडे है, ईशान पांडे ओपन करने आ रहा है, तो ईशान पांडे को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन नेपाल का टीम ज़्यादा स्ट्रांग है तो नेपाल का जीतने का ज़्यादा चांस है, तो आप उसके हिसाब से टीम बनाना, इंपॉर्टेंट जो नेपाल का प्लेयर होगा उसका टीम बना, अनकॉमन भी कोई किसी प्लेयर नेपाल का कैप्टन भी बना देना, हो सकता है अगर एक दो दो तीन विकेट चटका लिया और ड्रीम इलेवन का जो अभी पॉइंट सिस्टम है तो वो तो बॉलिंग को ज़्यादा फेवर करते हैं, तो उसके अगर एक दो विकेट चटका लिया वो बंदा तो फिर आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। आप आर रंगा थोड़ा सा क्रेडिट का भी प्रॉब्लम है, तो आर रंगाराजन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 82% लोगों ने इसको सिलेक्ट करके रखा, लेकिन ग्रैंड लीग में उतना खास नहीं कि आप ग्रैंड लीग में इसको हर टीम में ट्राई करो, एक दो टीम में इसको ड्रॉप करके देख सकते हो आप, क्योंकि 82% लोगों ने सिलेक्ट करा और बाई चांस फ्लॉप चला गया तो आप ग्रैंड लीग में जीत सकते, जैसे हमने आज के मैच के बोला था फिलिप को ड्रॉप कर सकते हो, तो फिलिप ने उतना कुछ खास नहीं किया लेकिन 20 रन कर गया, वही 20 रन बहुत भारी पर मतलब उतना कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन तो आप ऐसे ही ले सकते हो, ऐसे हमने जैसे बोला था तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। ग्रैंड होम के बारे में भी बोला था, ग्रैंड होम फ्लॉप चला गया लेकिन हमने खुद ही ले लिया था उसको, तो ऐसे ही गलती तो होता है, गलती तो इंसान से होता है, तो हर मैच में तो हम नहीं जीतेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो गलती होगा, तो और एस कामी को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ही सेफ ऑप्शन है, ये मेन बॉलर है, फास्ट बॉलर का जो डिपार्टमेंट है ये मेन बॉलर है सब नेपाल का, तो इसमें ये हर मतलब डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता है और पहले भी बॉलिंग करेगा और डेथ ओवर में लास्ट में एकदम बॉलिंग करेगा, और लेकिन ये क्या एक बात है कि ये डेथ ओवर में कभी कभी करते हैं, लेकिन ये केसी कारण जो है ये डेथ ओवर बॉलिंग करता है, ये बोहरा अगर खेलते तो बोहरा डेथ ओवर बॉलिंग करता है अगर खेला आज को, तो ये काम को पहले ही दो तीन ओवर करा देता है और एक दो एक ओवर रख देता है इसका, ऐसा करते हैं वो लोग, तो अब इसको देखना अगर आपको लगता है कि ऊपर का बैटिंग हम चटकाना है तो इसको कैप्टन बना देना, क्योंकि ये जब भी विकेट लेगा तो दो तीन विकेट आराम से ले जाएगा। और बैट्समैन की ऑलराउंडर की तरह से पवन स्वरूप को आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग पे, ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर है, आप इसको ट्राई करना। आरिफ शेख को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा, ऊपर भी बैटिंग है लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहा है तो फिर अब ये रिस्की होगा, और बॉलिंग नहीं कर रहा है तो फिर ऑलराउंडर में रख के इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, अगर बैटिंग बैट्समैन बैटिंग में कुछ कर दिया तो फिर आपके लिए कुछ हो सकता है। के मोल्ला को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। जय प्रकाश को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना अगर खेलता है तो, फिर बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। और बॉलिंग में से शामिल संदीप लामिचन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में इससे ऑप्शन है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो आप एक दो टीम में, लेकिन एक दो टीम में ड्रॉप भी कर सकते हो, बचाए बाई चांस अगर फ्लॉप चला गया, एक दो एक भी विकेट नहीं मिला, ऐसे हमने देखा पिछले सीरीज में उसको एक मैच में एक भी विकेट नहीं मिला था, तो ऐसे भी अगर हुआ तो फिर आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो इसको ड्रॉप करके भी।
किसी कारण स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में सेफ ऑप्शन है, आप इसको ग्रैंड लीग में एक टीम में कैप्टन बनाना, इसको और पॉसिड फॉरेस्ट कदका को, इसका जोड़ी बहुत चलता है। एक कृष्णा को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ही सेफ ऑप्शन है, इसको मत ड्रॉप करिए, ये आपको बैटिंग भी थोड़ा सा कर लेता है। तो आपको ए महबूब महबूब को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में दोनों में ट्राई करना है, बैटिंग भी कर लेता है, क्योंकि ये लोगों का जो बैटिंग ऑर्डर हो सकते हैं टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाए, तो इन लोगों का ही 5-10 रन मार दे और एक दो विकेट चटका लिया तो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं। और ये विजय कुमार है, विजय कुमार को ट्राई कर सकते हो, ये गपीनाथ है, अगर खेलता है ऐसे प्लेयर तो जो भी नो जैसे हमने बोल दिया है ऐसा प्लेयर इसको आप ट्राई करना, फिर ऐसा अगर अलग से कोई प्लेयर खेलता है तो फिर इसको भी ट्राई करना। ये गोपीनाथ है, गोपीनाथ को ट्राई कर सकते हो, विजय कुमार को ट्राई कर सकते हो। और ये राजवंशी स्पिन बॉलर है, अगर ये खेलता है, अगर खेलता है तो ये बोहरा की जगह खेल सकता है, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है और स्पिन बॉलर का, और स्पिन इसको कैप्टन भी बना सकते हो आप। ये बोहरा को आप स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग इसको लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते, लेकिन शायद आप राजवंशी को खिलाया जाए, अगर खिलाए तो फिर आप इसको उसको कैप्टन बनाना ग्रैंड लीग में। और ऐसा कोई अच्छा खासा प्लेयर नहीं, लेकिन ये भास्करन है, भास्करन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। और ऐसे ही अगर अनकॉमन कोई प्लेयर खेलता है तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना और उसको कैप्टन या ऐसे एज ए प्लेयर आप रख सकते हो। दोस्तों अभी यह वीडियो खत्म करते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो फिर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो वीडियो आपको मिले। और हमारे जो अगर प्रांति मंथी प्राइम में ज्वाइन है तो फिर ज्वाइन हो सकते हो, अभी अक्टूबर का 2-3 बाकी है, सितंबर का सितंबर पर और 2-3 दिन बाकी है, और अक्टूबर का अभी चालू हो गया तो अक्टूबर के लिए आप ले सकते हो, अभी उसका लाइव चल रहा है तो आप ले सकते हो उसका। और तो लेकिन आप हमने जो बोला आपको ड्रीम इलेवन में कम से कम 1000 बैलेंस होना चाहिए, अगर 1000 बैलेंस नहीं तो फिर आप ज्वाइन करिए, और हम अगर नहीं भी लेंगे क्योंकि आप 200-100 रुपये खेले के खेलेंगे तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा आपको। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभी तो हम सोच देखेंगे कितना, मतलब आज तो मैच भी उतना कुछ खास नहीं, तो हम देखते कब मतलब वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम जितना हो सके जल्दी वीडियो डालेंगे, डालने की ट्राई करेंगे, कल भी बहुत लेट हो गया था। तो दोस्तों अभी ये वीडियो ख़त्म करते हैं भाई, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।